आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सेठ जी, टैक्स डिपार्टमेंट, अपने भाई खाते दिखाइए। वो तो घर पे है। अरे घर पे है तो लेके आइए। बाबा गाड़ी का चाबी दो ना। गाड़ी की चाबी क्यों? अरे बाबा हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, कितना महंगा हो गया है। दो यार चाबी दो। अरे बाबा सो गया क्या? सेठ जी खाते ले आए। अरे बाबा तुमको इधर बैठे हुए कितना देर हो गया? यही कोई 7 घंटे। कोई ग्राहक आया? नहीं। कोई बोनी वोनी हुआ? नहीं। अरे बाबा जब ग्राहक नहीं बोनी नहीं तो खाते में क्या लिखेगा? GST, नोटबंदी, महंगाई। अरे बाबा ग्राहक ही चौपट हो गया। अरे जब धंधा ही नहीं है तो टैक्स कहाँ से दूंगा? अरे निकालो इनको बाहर और निकालो ऐसी सरकार। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। झूठों का छोड़ के साथ कांग्रेस का थामो हाथ, MP पुकारे दिल से, वक्त है बदलाव का। गैस डीजल पेट्रोल के होंगे कम दाम, फसलें फिर लहराएंगी मिलेंगे पूरे दाम। कानून तोड़ने वालों को अपना बख्शा जाएगा, नारी को सम्मान की नजरों से देखा जाएगा। पढ़ा लिखा हर नौजवान पाएगा रोजगार, कम करके दिखलाएंगे टैक्स की ये भरमार। देश के दिल से देना है देश को ये पैगाम, बाल बचन नहीं बोलते बोलेगा अब काम। MP पुकारे दिल से, वक्त है बदलाव। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब किसानों के हक का पैसा जन आशीर्वाद यात्राओं में खर्च हो जाता है, जब जनता के स्वास्थ्य का पैसा बड़े बड़े आयोजनों में उड़ जाता है। अरे गुस्सा आता है जब बच्चों की शिक्षा का पैसा गलियों में होर्डिंग बनके टंग जाता है, जब कर्ज में डूबी हुई सरकार का खजाना विज्ञापनों में खाली हो जाता है। मैं मध्य प्रदेश का एक नागरिक हूँ और अब मुझे भी इस विज्ञापनों वाली भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब बेमतलब की नोटबंदी का असर आज भी मेरे व्यापार पर आता है, जब GST की कठिनाइयों में हर महीने मुझे उलझाया जाता है। अरे गुस्सा आता है जब भाजपा वालों की मदद से कुछ उद्योगपति करोड़ों का चूना लगाकर भाग जाते हैं और हम जैसे छोटे व्यापारियों को कर्ज लेना मुश्किल हो जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब ये भाजपा वाले आयोजनों के नाम पर चंदा मांगने आ जाते हैं। मैं मध्य प्रदेश का व्यापारी हूँ और अब मुझे इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है मुझे जब मुझे मेरी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पाता है। गुस्सा आता है जब मंडी पर बैठा वो बिचौलिया मेरे पैसे खा जाता है। गुस्सा आता है जब कर्ज के बोझ में दबा एक किसान मौत को गले लगाता है। गुस्सा आता है जब मुआवजे के लिए मुझे हाथ फैलाना पड़ जाता है। गुस्सा आता है जब मेरे किसान भाइयों पर कोई गोली चलवाता है। मैं भी मध्य प्रदेश का किसान हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब मासूम बच्चों को हैवानियत से नोचा जाता है। गुस्सा आता है जब आए दिन अखबारों में लुटती आबरू का जिक्र आता है। गुस्सा आता है जब मध्य प्रदेश का नाम महिला अत्याचार में सबसे ऊपर आता है।
मैं मध्य प्रदेश की नारी हूँ और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संतों का ऐलान, दिसंबर से शुरू होगा राम मंदिर का निर्माण। कांग्रेस का बड़ा दांव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साले संजय सिंह कांग्रेस में। कांग्रेस का आरोप, मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के साथ किया धोखा। बीजेपी में टिकट का जश्न, कुछ जगह विरोध के स्वर हुए मुखर। और रेणु जोगी का झलका दर्द, कहा हम बेवफा न तुम बेवफा। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर मामले की सुनवाई जनवरी तक के लिए टल गई है, लेकिन दिल्ली में हुई संतों की बैठक में इसके उलट फैसला लिया गया है। बैठक के बाद बड़ा ऐलान करते हुए राम जन्मभूमि न्यास के मुखिया रामविलास वेदांती ने कहा कि इसी साल दिसंबर से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हो रही संतों की बैठक के बाद रामविलास वेदांती ने अपने संबोधन में कहा कि अगर सरकार इस संबंध में अध्यादेश लेकर आती है तो ठीक है, वरना आपसी सहमति से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा और मस्जिद का निर्माण उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जाएगा। इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी राम मंदिर को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा, राम मंदिर का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सामने है, इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी हमें अयोध्या में रामलला का भव्य प्रतिमा बनाने से नहीं रोक सकता। अगर हमें कोई ऐसा करने से रोकता है तो उसे देख लिया जाएगा। हमें अयोध्या का विकास करने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं इस मुद्दे को लेकर बाबा रामदेव ने कहा कि अगर न्यायालय में इस मुद्दे पर फैसला आने में देरी हुई तो संसद में इसका बिल जरूर आएगा, आना भी चाहिए। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर नहीं बनेगा तो किसका बनेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस के बीच शहमात का खेल चल रहा है। इस खेल में कांग्रेस ने आज बड़ा दांव चला और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साले संजय सिंह को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। संजय सिंह बीजेपी से टिकट ना मिलने से नाराज बताए जा रहे थे। दिल्ली में पीसीसी चीफ कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया की मौजूदगी में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह के साले संजय सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए। खुद कमलनाथ ने इसका औपचारिक ऐलान किया। बड़ी खुशी के साथ मैं सूचित करना चाहता हूं कि संजय, आप लोग बहुत सारे इस चेहरे से परिचित नहीं होंगे। संजय सिंह श्रीमती साधना सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की पत्नी, उनके सगे भाई हैं। ये आज कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं। बड़े सोच समझ के आज मध्य प्रदेश में विकास के एक नए नक्शा बनाने के लिए, कांग्रेस का साथ देने के लिए ये कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं। हो गया 13 साल, बहुत हो गए। अरे मौका दूसरों को भी मिलना चाहिए। और मुझे लगता है जिस प्रकार से छिंदवाड़ा का विकास हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। छिंदवाड़ा व्यक्ति के नाम से जाना जाता है और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश भी कमलनाथ जी के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज बेरोजगारों के लिए रोजगार नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है,
इन्वेस्टर मीट तो काफी हुई है, लेकिन कोई भी उसके परिणाम सार्थक हमारे सामने नहीं आए हैं। सबसे बड़ी समस्या है वहां पे, और जिस प्रकार से भाजपा में जो द्वंद्व चल रहा है, नामदारों को उतारा जा रहा है, कामदारों को दरकिनार किया जा रहा है, जो कामदार थे वो कामदार ही बन के रह गए हैं, नामदारों को पैराशूट से उतारा जा रहा है, शहजादों की एंट्रिया हो रही है और परिवारवाद और वंशवाद फल फूल रहा है। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह के साले संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, भाजपा में नामदारों को उतारा जा रहा है, वहीं नामदारों को मौका नहीं दिया जा रहा है, पार्टी में वंशवाद फल फूल रहा है। किसी पेड़ का अपनी जड़ों को छोड़ना या उसे जड़ से उखाड़ फेंकना कितना दुखदायी होता है, इसका एहसास कोंटा से विधायक रेणु जोगी के भावुक बयान से पता चला। जनता कांग्रेस के सुप्रीमो अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी को अंततः कांग्रेस छोड़नी ही पड़ी, इसके बाद उनकी पीड़ा सामने आई। अब तक कांग्रेस की खुद को सिपाही कहने वाली रेणु जोगी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी से नामांकन भरने घर से निकली तो उनके आंसू छलक गए। रेणु जोगी ने कहा कि आज उन्हें उनके जमाने की एक गीत याद आ रहा है कि ना तुम बेवफा हो ना हम बेवफा, मगर क्या करें, अपनी राहें जुदा हैं। रेणु जोगी के साथ उनके बेटे मरवाही विधायक अमित जोगी भी थे। इस भावुक पल के दौरान अमित ने मां के पैर छूके आशीर्वाद लिया। कई बार परिस्थितियों के आगे मनुष्य कमजोर पड़ जाता है, और आज मेरी स्थिति लगभग वही है। मैं मानती हूँ, सम्मान करती हूँ कोटा की जनता का, परमात्मा का, परिस्थितियों का, जिसने आज मुझे विवश किया कि मैं कोटा से चुनाव लड़ूं। और चूंकि कोटा की ही जनता ने, जो मेरे परिवार के समान है, मुझे विगत 12 वर्षों से अपना विधायक चुना। दो शब्दों में अपनी बात कहना चाहूंगी, जब मेरे ज़माने का एक फिल्म का गाना है, न मैं बेवफा थी न तुम बेवफा थे, मगर क्या करें, हमारी राहें जुदा हैं, ये कांग्रेस पार्टी के प्रति कहना चाहूंगी। बता दें कि पिछले कई दिनों से जोगी परिवार में रेणु जोगी को लेकर मतभेद नजर आ रहे थे। स्वयं अजीत जोगी ने रेणु जोगी के पार्टी में शामिल होने की बात कही थी, लेकिन रेणु जोगी ने इसे अजीत जोगी का व्यक्तिगत बयान कहा था। कोंटा से टिकट कटने के बाद आखिरकार सोनिया गांधी के नाम से एक भावुक पत्र के माध्यम से रेणु जोगी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। क्या है पूरी खबर, इस पर बात करेंगे हमारे विशेष संवाददाता संजीव पचौरी से। संजीव जी, नामांकन भरने गई रेणु जोगी, आखिरकार अपने पति की पार्टी से नामांकन उनको भरना पड़ा, लेकिन काफी भावुक नजर आ रही थी। राहुल गांधी परिवार से काफी अच्छे संबंध रहे हैं, पारिवारिक संबंध रहे हैं, तो उनके भावनात्मक रिश्ता रहा है। लेकिन जो अजीत जोगी के खिलाफ एक लॉबी यहाँ काम करती थी छत्तीसगढ़ में, वो उसी लॉबी के कारण अजीत जोगी को कांग्रेस से अलग होना पड़ा। और इसके बाद में उनका प्रयास था कि किसी तरह से रेणु जोगी भी पार्टी छोड़ दें, और अंततः यहां तक स्थिति आ गई कि उनको टिकट नहीं दिया गया और उनको मजबूरी में कांग्रेस पार्टी छोड़ के जोगी कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंदरूनी कलह तो था परिवार में भी, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी रेणु जोगी को कि कांग्रेस टिकट नहीं देगी। जी, ये बात बिल्कुल सही है, और ये बात कांग्रेस के खिलाफ जाएगी उस चुनाव में, क्योंकि रेणु जोगी ने कभी ना तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ बोला है और ना ही अपने पति की पार्टी के लिए कोई काम किया है ना कुछ बोला है। लेकिन चूंकि अब अजीत जोगी का परिवार अजीत जोगी जोगी कांग्रेस से भी लड़ रहे हैं, इसके बाद में उनकी बहू है वो बहुजन समाज पार्टी से लड़ रही है, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं लग रहा था कि रेणु जोगी जो निष्ठा होती है कांग्रेस के प्रति शायद ना निभा पाए, और इसलिए शायद उनको टिकट नहीं दिया गया। जी शुक्रिया संजीव जानकारी के लिए। काफी भावुक थी रेणु जोगी, और आखिरकार उनको अपने पति की पार्टी से नामांकन भरना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खैर, अभी समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।
सेठ जी टैक्स डिपार्टमेंट अपने बही खाते दिखाइए। वो तो घर पे है। अरे घर पे है तो लेके आइए। बाबा गाड़ी का चाबी दो ना। गाड़ी की चाबी क्यों? अरे बाबा हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, कितना महंगा हो गया है। दो यार चाबी दो। अरे बाबा सो गया क्या? सेठ जी खाते ले आए। अरे बाबा तुमको इधर बैठे हुए कितना देर हो गया? यही कोई 7 घंटे। कोई ग्राहक आया? नहीं। कोई बोनी वोनी हुआ? नहीं। अरे बाबा जब ग्राहक नहीं बोनी नहीं तो खाते में क्या लिखेगा? GST, नोटबंदी, महंगाई। अरे बाबा ग्राहक ही चौपट हो गया। अरे जब धंधा ही नहीं है तो टैक्स कहाँ से दूंगा? अरे निकालो इनको बाहर और निकालो ऐसी सरकार। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। सब झूठों का छोड़ के साथ कांग्रेस का थामो हाथ। MP पुकारे दिल से वक्त है बदलाव का। गैस डीजल पेट्रोल के होंगे कम दाम, फसलें फिर लहराएंगी मिलेंगे पूरे दाम। कानून तोड़ने वालों को अपना बख्शा जाएगा, नारी को सम्मान की नजरों से देखा जाएगा। पढ़ा लिखा हर नौजवान पाएगा रोजगार, कम करके दिखलाएंगे टैक्स की ये भरमार। देश के दिल से देना है देश को ये पैगाम, बाल बचन नहीं बोलते बोलेगा अब काम। MP पुकारे दिल से वक्त है बदलाव। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब किसानों के हक का पैसा जन आशीर्वाद यात्राओं में खर्च हो जाता है, जब जनता के स्वास्थ्य का पैसा बड़े बड़े आयोजनों में उड़ जाता है। अरे गुस्सा आता है जब बच्चों की शिक्षा का पैसा गलियों में होर्डिंग बनके टंग जाता है, जब कर्ज में डूबी हुई सरकार का खजाना विज्ञापनों में खाली हो जाता है। मैं मध्य प्रदेश का एक नागरिक हूं और अब मुझे भी इस विज्ञापनों वाली भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब बेमतलब की नोटबंदी का असर आज भी मेरे व्यापार पर आता है, जब GST की कठिनाइयों में हर महीने मुझे उलझाया जाता है। अरे गुस्सा आता है जब भाजपा वालों की मदद से कुछ उद्योगपति करोड़ों का चूना लगाकर भाग जाते हैं और हम जैसे छोटे व्यापारियों को कर्ज लेना मुश्किल हो जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब ये भाजपा वाले आयोजनों के नाम पर चंदा मांगने आ जाते हैं। मैं मध्य प्रदेश का व्यापारी हूँ और अब मुझे इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है मुझे जब मुझे मेरी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पाता है। गुस्सा आता है जब मंडी पर बैठा हो बिचौलिया मेरे पैसे खा जाता है। गुस्सा आता है जब कर्ज के बोझ में दबा एक किसान मौत को गले लगाता है। गुस्सा आता है जब मुआवजे के लिए मुझे हाथ फैलाना पड़ जाता है। गुस्सा आता है जब मेरे किसान भाइयों पर कोई गोली चलवाता है। मैं भी मध्य प्रदेश का किसान हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब मासूम बच्चों को हैवानियत से नोचा जाता है। गुस्सा आता है जब आए दिन अखबारों में लुटती आबरू का जिक्र आता है। गुस्सा आता है जब मध्य प्रदेश का नाम महिला अत्याचार में सबसे ऊपर आता है। मैं मध्य प्रदेश की नारी हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। We'll be right back.
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता में शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज सरकार ने कृषि कर्मण अवार्ड पाने के लिए मापदंडों में से हेराफेरी की है। कृषि कर्मण पुरस्कार अनाज के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए दिया जाता है, पर शिवराज सरकार ने मापदंडों में हेराफेरी कर किसानों के साथ साथ मध्य प्रदेश की जनता के साथ भी धोखा किया है। सुरजेवाला ने शिवराज सिंह चौहान को झूठा मामा कहते हुए कहा कि शिवराज ने किसानों से पहले छल किया और बाद में किसानों को गोलियों से छन्नी भी किया। सुरजेवाला ने मंदसौर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि शिवराज खुद को किसान पुत्र कहते हैं और किसानों पर ही गोली चलवाते हैं। शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए सुरजेवाला ने कहा कि मध्य प्रदेश में खेती का आकार कम हो रहा है और प्रति हेक्टेयर किसानों की संख्या बढ़ी है, जो कि चिंता का विषय है। अगले साल 2014 में पेश की गई, ये देखिए तिथि बदल गई है, कृषि विभाग मध्य प्रदेश सरकार। और इस प्रेजेंटेशन में अब आप देखिए वो स्लाइड जो कुल टोटल की है, 2012-13 आप देखिए 287 लाख टन पिछले साल दिखाया था अवार्ड लेने के लिए, अब उसको घटाकर लिख दिया 234 लाख टन। कितना बड़ा फ्रॉड, कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा छल माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार ने किया। सुरजेवाला ने आरएसएस और बीजेपी को कैकई मंथरा कहते हुए कहा कि इनके कारण राम भगवान इतने वर्षों से वनवास में हैं। सुरजेवाला ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जब चुनाव आता है राम मंदिर का मुद्दा सामने आता है और फिर चुनाव के बाद राम को भूल जाते हैं। कांग्रेस ने शिवराज सरकार के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आरबीआई सेक्शन 7 का उपयोग देश में पहली बार हुआ, जिसका उपयोग कर मोदी सरकार उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में दो वाक्य एक साथ हुए। पहला वाक्य सीहोर में सुदेश राय का है, जिनको बीजेपी से टिकट मिला है। वहीं दूसरा वाक्य बीजेपी से टिकट ना मिलने की वजह से सन्नी गौरव महाजन ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। बीजेपी प्रत्याशियों की सूची की घोषणा हुई तो खुद सीएम के गृह जिले की जिला मुख्यालय की सबसे महत्वपूर्ण सीहोर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने पिछली बार के कांग्रेस के बागी विधायक सुदेश राय को इस बार पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिया। जैसे ही सूचना सीहोर पहुंची तो सुदेश राय खेमे में जमकर जश्न मनाया। ढोल ताशों के बीच नारेबाजी हुई और जमकर पटाखे फोड़े गए। इस मौके पर बीजेपी की अधिकृत उम्मीदवार और उनके समर्थकों से विशेष चर्चा की कि मैं इन सब के विश्वास पर खरा उतरूंगा और भारतीय जनता पार्टी की सीहोर सीट को वापस भाजपा की सीट में परिवर्तित करके सबके समक्ष रखूंगा। इधर जनसंघ के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय दीवान चंद्र महाजन के पोते सन्नी गौरव महाजन ने अपने परिवार के होटल में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने पिछले चार सत्रों से कांग्रेस से बीजेपी में आए भगौड़े नेताओं को टिकट देकर बीजेपी के असली नेताओं के साथ सदैव से सौतेला व्यवहार किया है। क्या है पूरी खबर, बात करते हैं संवाददाता अरुण राठौर से। अरुण, बीजेपी ने एक बागी को टिकट दिया तो एक साथी छूट गया। जी मैडम। अरुण, क्या है पूरी खबर, एक बागी जो पिछली बार बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते थे ये सोचकर बीजेपी ने टिकट दिया उनको, उस खेमे में तो खुशी है, लेकिन जिसको टिकट नहीं मिला वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है? मैडम, विगत चार बार से रमेश सक्सेना जी ने हमेशा भाजपा को जिताया है जी। मतलब रमेश सक्सेना जी का ये कहना है कि मैंने चार बार में जिस समय भाजपा नहीं थी मैंने उस समय भाजपा का साथ दिया और भाजपा ने लेकिन मुझे मेरे ऊपर भरोसा ना करते हुए स्वदेश राय को टिकट दे दिया है। शुक्रिया अरुण।
बीजेपी नेता सीता शरण शर्मा ने कहा कि बीजेपी एक विचार से जुड़ी हुई पार्टी है और राहुल गांधी का नेतृत्व कमजोर है। होशंगाबाद से टिकट मिलने के बाद डॉक्टर सीता शरण शर्मा मीडिया से बात कर रहे थे। होशंगाबाद विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीता शरण शर्मा को दोबारा विश्वास कर अपना प्रत्याशी बनाया है। डॉ सीता शरण शर्मा का होशंगाबाद बीजेपी में विरोध होने के बावजूद पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद डॉ सीता शरण शर्मा के विरोधियों के मनसूबा पर पानी फिर गया है, तो वहीं उनके समर्थक खुश हैं। डॉ सीता शरण शर्मा 2013 के विधानसभा चुनाव में करीब 50,000 वोटों से अपनी जीत दर्ज की थी। लोगों को पहले भी ये संदेह था कि कांग्रेस कभी एक नहीं हो सकती, क्योंकि कांग्रेस कोई विचार के आधारित पार्टी नहीं है। कांग्रेस तो नेता पे चलती है, 5-6 पीढ़ी से राहुल और उनका परिवार ही चला आ रहा है, अब उनमें योग्यता हो या ना हो, तो इस तरह से व्यक्ति पर आधारित पार्टी में मतभेद होंगे ही, क्योंकि ऊपर लीडर भले ही एक हो, नीचे बहुत से छत्रप हो जाते हैं, कांग्रेस में दिख रहा है। डॉक्टर सीता शरण शर्मा ने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता की कमी है, वहीं भाजपा लोगों की नहीं विचार की पार्टी है। डॉक्टर सीता शरण शर्मा ने चुनाव में अपनी जीत और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का दावा किया है। समय एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कितना अच्छा होता ना अगर सरकार सब्सिडी वाले फिल्टर गांव-गांव बंटवा देती। आइडिया तो बढ़िया है तेरा, चल अभी भाजपा को सुझाव भेजते हैं। और शिवराज भैया हैं तो ये विश्वास है कि हमारे सुझाव से सबको फायदा होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना, तो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। बुकिंग्स मिल जाती है साहब? बुकिंग तो बहुत हो जाती है, लेकिन सारा बेनिफिट बाहरी कंपनियां ले जाती हैं। सोच रहा हूँ कि आइडिया भाजपा को दूं। कस्टमर से जोड़ने वाली ऐप गवर्नमेंट खुद बना दे, ताकि हमारा बेनिफिट हमारी जेब में रहे। बहुत अच्छा आइडिया है, तो फिर समृद्ध एमपी बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। आइडिया है मेरे पास। अखबार छपने की डेडलाइन खत्म हो रही है और तुम लोग बैठकर बातें कर रहे हो। बातें नहीं सर, दरअसल मिलिंद अपना आइडिया शेयर कर रहा था। कोई इफेक्टिव आइडिया? हाँ सर। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में इतनी देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। अब तो ऐसा लगता है ना कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर मैं जरूरतमंद लड़कियों को ये काम सिखा सकूं। लेडी स्किल शेयरिंग सेंटर, समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को दीजिए ना ये सुझाव। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी किस बात की, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हुजूर से बीजेपी का टिकट मिलने के बाद रामेश्वर शर्मा बैरागढ़ पहुंचे। रामेश्वर ने कहा चुनाव के बाद सिंधी विस्थापितों की समस्याओं का निदान किया जाएगा। बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा अब हुजूर से टिकट मिलने के बाद बैरागढ़ पहुंचे तो उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया। रामेश्वर ने कहा कि उपनगर बैरागढ़ की जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें आने वाले समय में हल किया जाएगा। सिंधी विस्थापितों के पट्टे की समस्या हो, मर्जर की समस्या हो, सबका निदान किया जाएगा। वाले जो 5 साल है वो संत हृदयराम नगर को देश के बाजारों में
क्योंकि ये व्यापारिक राजधानी भी हमें इसको बनाना है। अभी हमारी प्रशासनिक राजधानी भोपाल है, लेकिन आने वाले 5 साल में संत हृदयराम नगर मध्य प्रदेश के नागरिकों की व्यापारिक राजधानी भी संत हृदयराम नगर बने। अब इसके लिए योजना बनाकर यहाँ के नागरिकों के सुझाव पर, पत्रकार और समाचारों के सुझाव पर हम उस दिशा में काम करेंगे। छतरपुर में जमीन विवाद के चलते एक महिला की जमकर पिटाई की गई। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। छतरपुर के हरपालपुर थाना क्षेत्र के दलान निवासी एक महिला की जमीनी विवाद के चलते उसकी चाची की बहू और चाची ने जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के अनुसार दलान निवासी दीपिका पाठक की गुरुवार की शाम उसकी चाची सुधा पाठक और गीता पाठक ने मिलकर लात घूसों और डंडों से पिटाई कर दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हम पानी भरने के लिए कसानिया पे थे, उसने बस पटक लिया, नीचे चढ़ गई, ऊपर से सास चढ़ गई, वो चढ़ गई, मारने लगे हमें। हम उठने का हम अकेले थे घर में, मेरे कोई नहीं था, बस इसलिए अकेले उसने दबा दिया बस। आगामी चुनाव और दिवाली को देखते हुए पुलिस प्रशासन व्यवस्थाओं को लेकर चाक चौबंद नजर आ रही है। संत हृदयराम नगर बैरागढ़ में पुलिस मार्च पास्ट कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रही है। भोपाल पुलिस सीआरपीएफ ने बैरागढ़ में पैदल मार्च पास्ट किया। बैरागढ़ थाना प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान, अनुविभागीय अधिकारी पीपी गौतम सहित पुलिस बल मौजूद था। एसडीओपी अनुविभागीय अधिकारी पीपी गौतम ने बताया कि आगामी धनतेरस, दीपावली, त्योहार और चुनाव को देखते हुए मार्च पास्ट किया जाएगा। इसमें 3 दर्जन से भी ज्यादा सीआरपीएफ महिला एवं पुरुष बल मौजूद था। आम जनता में निर्भीकता पैदा करने के लिए और निष्पक्ष और निर्भीक होकर के मतदान करें, किसी भी प्रकार का भय उनमें न रहे और उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आज बैरागढ़ शहर में, सभी पूरे शहर में, सीटीओ में, मार्केट में और रहवासी बस्तियों में सीआरपीएफ की बटालियन के साथ में फ्लैग मार्च किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सेठ जी, टैक्स डिपार्टमेंट, अपने भाई खाते दिखाइए। वो तो घर पे है। अरे घर पे है तो लेके आइए। बाबा गाड़ी का चाबी दो ना। गाड़ी की चाबी क्यों? अरे बाबा हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, कितना महंगा हो गया है। दो यार चाबी दो। अरे बाबा सो गया क्या? सेठ जी खाते ले आए। अरे बाबा तुमको इधर बैठे हुए कितना देर हो गया? यही कोई 7 घंटे। कोई ग्राहक आया? नहीं। कोई बोनी वोनी हुआ? नहीं। अरे बाबा जब ग्राहक नहीं, बोनी नहीं, तो खाते में क्या लिखेगा? GST, नोटबंदी, महंगाई। अरे बाबा ग्राहक ही चौपट हो गया। अरे जब धंधा ही नहीं है तो टैक्स कहाँ से दूंगा? अरे निकालो इनको बाहर, और निकालो ऐसी सरकार। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। सब झूठों का छोड़ के साथ कांग्रेस का थामो हाथ, एमपी पुकारे दिल से वक्त है बदलाव का। गैस डीजल पेट्रोल के होंगे कम दाम, फसलें फिर लहराएंगी, मिलेंगे पूरे दाम। कानून तोड़ने वालों को अपना बख्शा जाएगा, नारी को सम्मान की नजरों से देखा जाएगा। पढ़ा लिखा हर नौजवान पाएगा रोजगार, कम करके दिखलाएंगे टैक्स की ये भरमार। देश के दिल से देना है देश को ये पैगाम, बाल बचन नहीं बोलते बोलेगा अब काम। एमपी पुकारे दिल से वक्त है बदलाव। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।
गुस्सा आता है जब किसानों के हक का पैसा जन आशीर्वाद यात्राओं में खर्च हो जाता है, जब जनता के स्वास्थ्य का पैसा बड़े बड़े आयोजनों में उड़ जाता है, और गुस्सा आता है जब बच्चों की शिक्षा का पैसा गलियों में होर्डिंग बनके टंग जाता है, जब कर्ज में डूबी हुई सरकार का खजाना विज्ञापनों में खाली हो जाता है। मैं मध्य प्रदेश का एक नागरिक हूं और अब मुझे भी इस विज्ञापनों वाली भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब बेमतलब की नोटबंदी का असर आज भी मेरे व्यापार पर आता है, जब जीएसटी की कठिनाइयों में हर महीने मुझे उलझाया जाता है। अरे गुस्सा आता है जब भाजपा वालों की मदद से कुछ उद्योगपति करोड़ों का चूना लगाकर भाग जाते हैं और हम जैसे छोटे व्यापारियों को कर्ज लेना मुश्किल हो जाता है, और हद तो तब हो जाती है जब ये भाजपा वाले आयोजनों के नाम पर चंदा मांगने आ जाते हैं। मैं मध्य प्रदेश का व्यापारी हूँ और अब मुझे इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है मुझे जब मुझे मेरी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पाता है। गुस्सा आता है जब मंडी पर बैठा वो बिचौलिया मेरे पैसे खा जाता है। गुस्सा आता है जब कर्ज के बोझ में दबा एक किसान मौत को गले लगाता है। गुस्सा आता है जब मुआवजे के लिए मुझे हाथ फैलाना पड़ जाता है। गुस्सा आता है जब मेरे किसान भाइयों पर कोई गोली चलवाता है। मैं भी मध्य प्रदेश का किसान हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब मासूम बच्चियों को हैवानियत से नोचा जाता है। गुस्सा आता है जब आए दिन अखबारों में लुटती आबरू का जिक्र आता है। गुस्सा आता है जब मध्य प्रदेश का नाम महिला अत्याचार में सबसे ऊपर आता है। मैं मध्य प्रदेश की नारी हूँ और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।